हम आपसे बाद में बात करते हैं। कल्याणी गायकवाड़, ओह माय गॉड, क्या बात है, मेरे ऑफिस में और तुम? अपनी असफलता का दोष केतकी पर क्यों दे रही हो? अगर तुम्हारे कार्यक्रम में मीडिया की गैर मौजूदगी थी तो इसमें केतकी कहां से जिम्मेदार है? कल्याणी गायकवाड़, इसमें केवल केतकी नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो। मतलब? मेरा आइडिया चुराकर मेरे गाने के रिलीज के एग्जैक्टली 2 दिन पहले तुमने अपना गाना रेडियो पे रिलीज कर दिया। ऑसम। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपना गाना रिलीज करूंगी, लॉन्च पार्टी रखूंगी, प्रेस को बुलाऊंगी। मैंने बुलाया, लेकिन तुमने उसी दिन उसी समय अपने लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा ली और मेरे लॉन्च पार्टी को फ्लॉप करवा दिया। मुझे तो शक हो रहा है प्रतिभा जी, क्या आप वाकई इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं? मैं एक गायिका हूं, मेरा काम सिर्फ गाना गाना है, ना कि ये तय करना कि गाना कब रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, कहाँ रिलीज होगा। ये काम तो म्यूजिक कंपनी का होता है ना, जिसके लिए हम गाते हैं। इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए ना प्रतिमा बोल्स। और केतकी बहुत बेहतरीन गायिका है, बस उसकी गलती ये है कि वो तुम जैसे औरत पे भरोसा करके फंस गई है। कल्याणी गायकवाड़, तुम मेरे ऑफिस में मेरे सामने खड़े होकर सब बकवास करना बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। चुटकियों में बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। बर्बाद तो मुझे इस कंपनी का भविष्य होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस इंसान के इरादे ही नेक ना हो उसे कामयाबी तो कभी मिल ही नहीं सकती। तुमने 2 बहनों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश की, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। और एक बात प्रतिमा जी, अपनी नाकामयाबी को स्वीकार करने की हिम्मत रखा करो, शायद आपकी कंपनी का भविष्य बचाने के काम आए। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! ए, रुक! ए, रुक! ए, रुक! अरे मार, मैं तो सामने से मार। इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है।